मैं हूँ गौरी एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल द स्पाइस ट्री। आज हम बनाएंगे कलाकंद। कलाकंद के लिए या तो हम होममेड पनीर यूज़ कर सकते हैं या तो रेडीमेड पनीर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होममेड पनीर की। यहाँ पे मैंने 2 लीटर मिल्क यूज़ किया है होल मिल्क पनीर बनाने के लिए। घर पे पनीर बनाते वक्त हमको क्या करना है कि दूध उबाल लेना है, पूरा लो फ्लेम पे रखना है, उसमें 3 से 4 चम्मच विनेगर डालना है तो पनीर अपना पूरा सेपरेट हो जाता है और फिर उसको स्ट्रेन करना है। घर पे पनीर बनाते वक्त हमें 2-3 चीज़ें स्पेशली व्हेन वी आर मेकिंग फॉर कलाकंद 2-3 चीज़ें हमें याद रखनी है। पहले तो हमें उसे ज़्यादा ड्रेन नहीं करना है, जैसे वेट वगैरह रख के ड्रेन नहीं करना है, क्योंकि ये जो पनीर है ये हमको मॉइस्ट और जूसी चाहिए। दूसरा मतलब हमें यहाँ पर सिर्फ होल मिल्क यूज़ करना है और पनीर जो है हमको अच्छे से वॉश करना है ताकि पूरा उसका जो विनेगर का टेस्ट और स्मेल है वो निकल जाए। हम बात करेंगे रेडीमेड पनीर की। तो अगर आप रेडीमेड ले रहे हो तो आपको 400 से 500 ग्राम तक पनीर आप यूज़ कर सकते हो। 400 ग्राम आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा मीडियम मीठा बनेगा, अगर 500 ग्राम पनीर आप यूज़ करते हैं ना तो थोड़ा सा कम मीठा बनेगा। पनीर खरीदते वक्त हमको ये ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ये जो सॉफ्ट वाला पनीर हमको इसके लिए लेना है। तो जैसे कि आपने देखा ये लगभग 400 ग्राम पनीर था, इसमें हमने 400 ग्राम कंडेंस मिल्क मिक्स किया है। अब हमने सारा कंडेंस मिल्क जो है पोर कर लिया है, तो अब इस टिन में हम थोड़ा सा मिल्क डालेंगे, 1/4 क्वांटिटी मिल्क है, और उसको अच्छे से स्टर कर लेंगे स्पून से ताकि जो भी रेसिडुअल उसमें कंडेंस मिल्क है वो मिक्स हो जाए, और इस मिक्सचर को हम पैन में डाल देंगे। तो अब हम स्पैटुला से इसको मिक्स कर लेंगे और इस मिक्सचर को ऐसे ही 10 मिनट हम सोक करने रखेंगे। तो ये टिप नंबर 1 है कि कोई भी जब हम मिक्सचर ये बनाते हैं तो स्पैटुला से वो कंडेंस मिल्क और पनीर को मिक्स करके हमको 10 मिनट सोक करने के लिए रखना है ताकि आपको जो कलाकंद है वो बहुत जूसी और सॉफ्ट बने। तो अब ये मिक्सचर जब तक 10 मिनट हम लोग रेस्ट करते हैं तो हम बाकी की तैयारी करके लेंगे। तो हमने क्या किया है, एक बेकिंग टिन लिया है, बेकिंग पैन लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है और ये बेकिंग पेपर उसमें डाल के रखा है, और ये थोड़ी सी पिस्ताशियोज़ है ये भी मैंने चॉप करके लिए है, और इलायची पाउडर तो नॉर्मली सबके घर में होता ही है। तो अब हम इस मिक्सचर को कुक करने रखेंगे और आप देख सकते हैं मैंने टाइमर स्टार्ट किया है ताकि आपको भी आइडिया आ जाए कि कितना टाइम लग रहा है कलाकंद बनने में। तो टिप नंबर 2 ये है कि हमको इस कलाकंद को हमेशा हाई टू मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। अगर आप इसे लो फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जो मिक्सचर है इसका पानी इवेपोरेट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ये मिक्सचर पूरा ब्राउन हो जाएगा। मिक्सचर को हमें कॉन्स्टेंटली ऐसे ही चलाते रहना है और स्पैटुला से प्रेस करते रहना है ताकि ये जो पनीर में कुछ लम्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। अगर आपने हाई फ्लेम रखा है और आपको लगे कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा बेस में चिपक रहा है तो आप मीडियम फ्लेम पे इसे पका सकते हो। टिप नंबर 3 ये है कि आप जब भी इसको बनाएं तभी अच्छे क्वालिटी का नॉनस्टिक पैन यूज़ करें, तो बिल्कुल उसका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा ना तो ये मिक्सचर बार बार इस पर बेस में चिपकेगा तो उसका टेस्ट भी थोड़ा जल जाता है ना, तो थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो अब थोड़ा सा मेरे चैनल के बारे में। मेरे चैनल का नाम है द स्पाइस ट्री। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरा चैनल द स्पाइस ट्री को सब्सक्राइब कीजिए। अब आप देख सकते हैं 6 मिनट हो गए हैं और ये मिक्सचर एकदम थिक हो गया है, इसमें बड़े बड़े बबल्स आ रहे हैं, मतलब ये अभी ऑलमोस्ट कुक हो गया है। तो अब इसकी 4th टिप ये है कि हमको इस मिक्सचर को ज़्यादा नहीं कुक करना है, मैक्सिमम 7 से 8 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा कुक करना। आप देखिए ऐसा ये सेपरेट हो रहा है पैन से ये मिक्सचर, इसका मतलब ये अभी ये कुक हो गया है। अगर आप इसे 7 से 8 मिनट से ज़्यादा पकाएंगे ना तो एक बार ये सेट हो जाएगा तो पूरा इसका टेक्सचर चेंज होता है और एकदम क्रमली हो जाता है, ड्राई और डिहाइड्रेटेड टेस्ट करेगा। तो आपको बस ये चीज़ का ध्यान रखना है। अब इसमें हम डालेंगे कार्डमम पाउडर, इलायची पाउडर, और वो भी हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि इसका एक अलग से कलर आता है कलाकंद में, हमको एकदम वाइट कलर का कलाकंद चाहिए। इलायची पाउडर ये हमेशा हमें रेसिपी के एंड में ही डालना है। अब आप देख सकते हो कि 8 मिनट हो गए हैं और ये अपना कलाकंद रेडी है। अब इसे हम जो बेकिंग ट्रे हमने तैयार किया था उसमें निकाल लेंगे। अभी आप देख सकते हो ये पैन हमारा बिल्कुल क्लीन है, मतलब ये परफेक्टली तैयार हो गया है। पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग ज़्यादा बाहर का नहीं लाते हैं, तो अगर आपको कोई इंडियन होममेड डेजर्ट खाने का मन करे, वो भी एकदम क्विक और इजी रेसिपी अगर आपको चाहिए, तो ये डेजर्ट एग्जैक्टली आपके लिए है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।
और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये वन पैन रेसिपी है, सिर्फ 10 मिनट में बनती है और इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। अब ये फिफ्थ और लास्ट टिप है, जब हम इसको ठंडा करते हैं ना, तो क्या करना है, ऐसा हमको एक कटोरी रखना है पैन के नीचे, क्योंकि जब हम कलाकंद को ठंडा करते हैं तो उसमें से थोड़े जूसेस जो है सेपरेट होने लगते हैं। अगर हमने उसको स्ट्रेट रखा तो ये जूसेस अलग और कलाकंद अलग हो जाता है। तो हमको पहले 15 मिनट, जब ये एकदम गर्म है ना, तो उसको इसी तरह से ठंडा करना है। थोड़ी देर बाद हम उसे ऐसा स्ट्रेट कर लेंगे और करछी से जो भी जूसेस वगैरह सेपरेट होते हैं उसको ऐसा प्रेस कर लेंगे। तो 1 घंटा लगभग लगता है उसको पूरा ठंडा होने में, और फिर हमें इसे फ्रिज में रखना है कवर करके। आप ओपन रखेंगे तो फ्रिज में थोड़ा सा डिहाइड्रेट हो जाता है, तो उसको कवर करके रखना। आप क्या कर सकते हो कि दूसरा बेकिंग पेपर उसके ऊपर कट करके आप रख सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अगर यूज़फुल लगा है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल द स्पाइसी को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और मेरे इंटीरियर डिज़ाइन के भी वीडियोज़ मेरे चैनल पे हैं, तो अगर आपका घर आप रेनोवेट कर रहे हो तो आप वो वीडियोज़ भी पक्का देख लीजिए।